पटरियों की। अगर इंडिया अपने ही बलबूते पे नए सिरे से पटरियां बिछा रहा है तो कमाल है। मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकती ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा बजट होगा इसका। और ये कोई बहुत, मैं कहता हूँ मजाक नहीं है। और अच्छा, पटरियाँ कितने अरसे तक चलती हैं? 100-100 साल तक चलती हैं। 60 साल की आपने देखा ना? हाँ, 60 साल की। 60 साल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज की वीडियो हमारी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं क्या रीडेवलपमेंट हुई है। बड़ी मुश्किलों से बोल पाया, सो लेट्स स्टार्ट। ये दोस्तों वीडियो का टाइटल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट इंडियन रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों भारतीय रेलवे ने रेलवे विजन 2024 के नाम से एक खाका तैयार किया है। इसके तहत रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा, आमदनी बढ़ाने और रोजगार के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। देश भर में 58 अति महत्वपूर्ण और 68 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है। 189 नई रेल लाइंस तथा 1471 किलोमीटर डबल लाइंस बिछाई जाएंगी। इससे ट्रेन्स की संख्या में इजाफा होगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र के लिए रेलवे 109 रूटों पर 150 प्राइवेट ट्रेन्स को 2024 तक पटरी पर उतारेगी। खास बात यह है कि इनमें कंफर्म टिकट्स मिलेंगे। रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए 23,800 किलोमीटर तक विद्युतीकरण का काम दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें प्रमुख हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वर्ष 2023 तक 5 नई रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी जबकि बची 3 रेलवे लाइंस में से 2 को 2025 तक बिछाया जाएगा। 63 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भानुपाली बिलासपुर बेरी वर्ष 2025 में पूरी होगी। वहीं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन दिसंबर 2022 में पूरी होगी। पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के 44 किलोमीटर की सिवोक रैंगपुर रेल लाइन 2023 में पूरी होगी। असम और नागालैंड में 88 किलोमीटर लंबी और भैरवी साइरंग मिजोरम के लिए 51 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन 2023 तक पूरी होगी। यात्रियों की सहूलियत और ट्रेन्स की रफ्तार बढ़ाने के लिए रेल लाइन दोहरीकरण के 5 प्रोजेक्ट्स 2023 में पूरे होने जा रहे हैं। जलगांव भुसावल 4 लाइन प्रोजेक्ट को 2022 में पूरा किया जाना है। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पूना मिराज लोंडा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जगदालपुर कोरापुट मार्च 2023 तक, झारखंड में जारंगदी दानिया पेच प्रोजेक्ट मार्च 2022 में पूरा होगा। दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई सहित कई शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को हरी झंडी मिल चुकी है। ये हैं दिल्ली जयपुर उधमपुर अहमदाबाद 846 किलोमीटर, मुंबई नासिक नागपुर 753 किलोमीटर, मुंबई पूना अहमदाबाद 711 किलोमीटर, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर 435 किलोमीटर तथा दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना अमृतसर 459 किलोमीटर। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का 2023 तक पूरा होने की संभावना है। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए है। इसके लिए 6,247 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का सफर तय करेगी। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली हाई स्पीड वंदे भारत दौड़ी थी। इसके बाद 130 और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन्स दौड़ाने का प्रस्ताव है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के बीच यात्रियों की संख्या और ट्रेनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर दौड़ने वाली ट्रेन्स की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी।
इन रूट्स को अगस्त 2023 तक मजबूत बनाने का लक्ष्य है। इस पर 6,804 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नए मास्टर प्लान का एरिया लगभग 120 हेक्टेयर का है, जिसमें से 88 हेक्टेयर को पहले चरण में विकसित किया जाना है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला स्टेशन का अंदरूनी हिस्सा और दूसरा स्टेशन एस्टेट के तहत होटल, कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग जैसी सुविधाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने वाले इस प्रोजेक्ट को 60 वर्षों के कंसेशन पीरियड के लिए डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर यानी DBFOT मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसमें करीब 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट को लगभग 4 वर्षों में पूरा किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्री बिड मीटिंग सितंबर 2020 में आयोजित की गई थी, जिसमें अडानी, GMR, JKB इंफ्रा, अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी और एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सरीखी फर्मों ने हिस्सा लिया था। स्टेशन रणनीतिक रूप से दिल्ली के केंद्र में स्थित है और दिल्ली के प्रमुख कमर्शियल स्पॉट केंद्र कैनॉट प्लेस के काफी निकट है। ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो के द्वारा IGI हवाई अड्डे से और येलो लाइन मेट्रो के द्वारा दिल्ली NCR से जुड़ा हुआ है। स्टेशन के दोनों ओर से परिवहन के विभिन्न साधनों से जुड़ा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करने की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे उपक्रम RLDA यानी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRSDC यानी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर है। इस बीच स्टेशन के रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसे सौंपनी है, इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अथॉरिटी ने बिडिंग प्रक्रिया के जरिए प्राइवेट प्लेयर्स को चुनने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशंस में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का कायापलट करने का फैसला लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए इसे रेलवे के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अगले 4 सालों में दुनिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक ऐसी तस्वीर देखेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी न की होगी। ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भविष्य दिखा रही हैं, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 4 सालों के बाद ठीक ऐसा ही दिखेगा। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले। ओके, तो ये थी डेवलपमेंट। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं बाद में समझूंगा। खैर, बहरहाल हो जाता है, इतना तो चलता है ना। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता था कि इंडिया और पाकिस्तान में अंग्रेज़ों ने जो रेल की पटरियाँ बिछा दी ये बहुत ही कॉस्टली काम है, बहुत लॉन्ग, बहुत ही मतलब कई किलोमीटर बिछानी होती है पटरी। तो ये इंडिया पाकिस्तान में अंग्रेज़ों के बाद मुमकिन नहीं हुआ। अभी भी हमारे यहाँ बहुत बुरी कंडीशन है रेलवे की, आए दिन ये वो पटरियों की। अगर इंडिया अपने ही बलबूते पे नए सिरे से पटरियाँ बिछा रहा है तो कमाल है। मैं कहता हूँ आप सोच भी नहीं सकती ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा बजट होगा इसका। और ये कोई बहुत, मैं कहता हूँ, मजाक नहीं है। और अच्छा, पटरियाँ कितने अरसे तक चलती हैं? 100-100 साल तक चलती हैं। 60 साल की आपने देखा ना? 60 साल के लिए, 60 साल मतलब वो एक, उन्होंने एक लाइफ सोची कि 60 साल तक तो एक्सपायर्ड ना हो, ख़राब ना हो। लेकिन मुझे लग रहा है 60 साल से पहले दोबारा री डेवलपमेंट हो जाएगी। बड़ी बात है कि वो इंडिया में रेल की पटरियाँ नहीं बिछ रही हैं और दो दो अलग अलग ट्रैक बन रहे हैं, अलग ट्रैक। और उसके लिए बाकायदा ज़मीन चाहिए होती है। आपका पूरा एक ट्रैक चलता है ना, तो उसके लिए आपकी एक ज़मीन होती है रेलवे की, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा, कहीं घर रास्ते में आते हैं, कहीं शॉप्स आती हैं, कहीं रोड्स आते हैं, उनको हटाना हो, उनको रोड कहाँ जाए, फिर बिल्डिंग्स वगैरह। मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ा एक झंझट वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है, टिपिकल काम है ये।
एक शहर से दूसरे शहर तक पटरी बिछा दी, चलो ठीक है, आपको पूरे कंट्री में ये रेलवे कमाल है, कमाल है। ये तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं तो यही सोचता था कि वही पटरियाँ आज तक चल रही और चलती रहेंगी, लेकिन इंडिया ने इसके हवाले से भी सोच लिया, कर दिया। अकल दंग है मेरी कि मतलब एक तो आइडियाज का आना, फिर दोबारा से मतलब इतनी हिम्मत पाना खुद के अंदर कि हम कर सकते हैं, नई पटरियां दोबारा बिछाना, रेलवे ट्रैक्स दोबारा नई, उसमें डेवलपमेंट मैं कहता हूँ कमाल है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत सालों का गेम है ये, सालों का, कहीं मतलब आपकी पटरी एक शहर दूसरे शहर तो और अच्छा उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम भी दे दिया 4 ईयर्स, कमाल है। मैं कहता हूँ ये तो यूँ समझ लो कि इंडिया को कई साल और आगे ले गया तरक्की में, लेकिन मतलब यूँ समझ लें कि इंडिया ने एक झप मारा, झप मारा क्या कहेंगे, जंप मारा। चलो आस्ते आस्ते सीख ही लूँगा, मेरे साथ बचपन से शायद पता नहीं किसी ने झप झप बोल दिया क्या हुआ था, बचपन से आपने झक ही मारा था ना तभी आप जाके आप इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो थोड़ी नॉलेज आ रही है आपके अंदर, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन समझदार हो रहे हैं, अंकलमंद हो रहे हैं आप, बड़ी बात है। अंकलमंद, अक्लमंद, अच्छा मैं समझा अंकलमंद, आपने ये क्या होता है ये बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका दाढ़ी नहीं है तो चोर कहाँ से वो तो दोस्तों वाकई ज़बरदस्त, बहुत आला, और जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी अप्रिशिएट किया जाए कम है, यकीन करें बस, क्योंकि वही वाली मिसाल बार बार अंग्रेज़ों के दौर की पटरियाँ, अंग्रेज़ों के दौर, हमारे यहाँ तो बहुत बुरी कंडीशन, बहुत खस्ता हालत हो चुकी है, जिस वजह से लोगों की जान और माल, लोगों की जिंदगियाँ दाव पे लगी हुई हैं। हमारे यहाँ लोग अब ट्रेन में सफ़र करते हुए डरते हैं, हर मंथ कोई ना कोई, अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट कोई ना कोई सुनने में मिलता है, कभी कॉलेज मैं इस वीडियो के नीचे, शायद मेरे पास अभी मोबाइल में वीडियो हो, अगर हुआ तो मैं लगा दूंगा वो वीडियो, एक पटरी टूटी हुई है और ट्रेन उसमें से चल रही है, यकीन करें पटरी टूटी हुई और ट्रेन चल रही है, अच्छा। और किसी ने वीडियो बनाई है तो वो ट्रेन आती है तो पटरी एक यूं पटरी है, ठक ठक, सर्कस नहीं हो गया ये कोई अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन बहुत अफसोस के साथ, बहुत दुख के साथ, यहाँ पर रेलवे की बहुत बुरी हालात है। और एक चीज़ और है कि जब कोई ट्रेन पटरी से उतरी थी ना और किसी जंगल में रुक गई थी तो लोगों ने जो साथ दिया, आवाम वहाँ के गांव और जंगल में रुक गई ट्रेन, हादसा हो गया, बच गई, जानी माल नहीं, नुकसान नहीं हुआ, जो गांव देहात वालों ने सपोर्ट किया, बच्चों के फीडर और दूध तक ले लेके आए, दो से तीन मरतबा ऐसा हुआ, कमाल मिसालें कायम की हैं लोगों ने, बहुत आला। आवाम में हमदर्दी एक दूसरे के लिए है, लेकिन आवाम क्या करें, आवाम एक बुरे हुक्मरानों के कंट्रोल में है, अल्लाह बेहतर करे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।